हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? फिर से आपका सब कुछ सीखे एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं 0 12 वन एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, और इसके बाद हमें 54 08 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी और 1000 UF माइक्रोफेरेड कैपेसिटर 25 वोल्ट का आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सब कुछ सीखे एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम डायोड को आपस में इसे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों सिल्वर पॉइंट को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में इजीली तरीके से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाना सिखाऊंगा। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो ये हम दूसरा डायोड लेंगे, दो डायोड और, तो इन दोनों डायोड की ब्लैक सिरे को आपस में मिला देंगे, और इस तरीके से हमें इसको कनेक्ट करना है। तो मैं प्लायर की हेल्प से इन्हें अच्छे से टाइट कर देता हूँ ताकि ये खुले नहीं। अब चारों डायोड को हमें आपस में मिलाना है इसी तरीके से। तो आप जा कर के मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह की वीडियो लेके आता हूँ जो कि एक्सपीरियंस से जुड़ी रहती है। तो मेरी कोई भी वीडियो फेक नहीं होती है, आप जा करके कोई सी भी वीडियो को देख सकते हैं। मेरी हर वीडियो आपको रियल मिलेगी। तो देखिए गाइस, ये हमारा बीच रेक्टिफायर बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कैपेसिटर का माइनस पॉइंट दे रखा है। तो हम डायोड के दोनों ब्लैक सिरे पे माइनस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, और दोनों डायोड के सिल्वर पॉइंट पे हम कैपेसिटर का प्लस कनेक्ट कर देंगे। तो इसको भी हम अच्छी तरह से कनेक्ट कर देते हैं, और इस पर बढ़िया सी सोल्डिंग कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल भी हिले दुले नहीं। तो सोल्डिंग कर देते हैं हम गाइस इस पर। तो सोल्डिंग अच्छी से करनी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों साथ भी शेयर करिए। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर 0 12 का। आप 12 0 12 का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सिर्फ दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ हमें 0 12 का वायर यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं ये पीला वाला वायर जो कि 0 12 का वायर है, और रेड वायर 220 वोल्ट का। और हम ये इस ब्रिज रेक्टिफायर के एक्स्ट्रा लेगो को कट कर देते हैं कटर की हेल्प से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ट्रांसफॉर्मर की वायरों को यहाँ पे सोल्डिंग करना है, आप देख सकते हैं। तो ये इसके 0 12 वायर को हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो सोल्डिंग आपको बढ़िया सी करनी है। और अब मैं इसमें 12 वोल्ट सप्लाई लेने के लिए दो वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैंने पॉजिटिव में प्लस वायर को लगा दिया है, रेड वायर जो कि मैंने लिया है, और ये ब्लैक वायर नेगेटिव माइनस के लिए। तो चलिए गाइस, ये हमारी पावर सप्लाई बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन कर दिया है, और मैं आपको इसका वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने 20 वोल्ट DC पे इसको मीटर को डाल दिया। अब मैं आपको इसको इसकी पावर सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ ये हमें कितना वोल्ट दे रहा है। तो ये मैंने इसमें DC सॉकेट कनेक्ट करा है। तो मैं आपको इसका वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 19 वोल्ट हमें बता रहा है, जो कि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वोल्ट हमें कैपेसिटर दिखा रहा है जो कि इसमें करंट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब भी हम इसमें कोई लोड की चीज डालेंगे तो ये हमें प्रॉपरली 12 वोल्ट ही देगा। और अगर आपको प्रॉपरली 12 वोल्ट ही चाहिए तो आप इसमें 78 12 IC लगा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ इससे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वर्क कर रही है। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए। और वीडियो में अगर आपको कुछ दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।